हेलो दोस्तों तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे टीचर एग्ज़ाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट दो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट एक देखा था अगर आपने उस सेट को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस सेट को देख सकते हैं और ऐसी बहुत सी वीडियो देख सकते हैं जो कि टीचर एग्ज़ाम या शिक्षक पात्रता परीक्षा के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिए अगर आप दो हज़ार के शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें पहला सवाल है बरमुडा त्रिभुज बरमुडा ट्रायंगल स्थित है बरमुडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है नीचे ऑप्शन हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में ऑप्शन बी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में या फिर ऑप्शन सी उत्तरी प्रशांत महासागर में या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी प्रशांत महासागर में इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है दूसरा सवाल है जेट स्ट्रीम पवनों के प्रवाह की दिशा होती है जेट स्ट्रीम जो पवने हैं उसकी प्रवाह की दिशा होती है ए पश्चिम से पूर्व की ओर बी पूर्व से पश्चिम की ओर सी उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर ऑप्शन डी ध्रुवों से विश्वत व्रत की ओर इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व की ओर होती है तीसरा सवाल है अम्ल वर्षा में क्या होता है नीचे ऑप्शन है ए गंधक का अम्ल वर्षा जल के साथ धरातल पर आता है ऑप्शन बी नमक का अम्ल वर्षा जल के साथ धरातल पर गिरता है ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड वर्षा जल के साथ धरातल पर आता है या फिर ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल वर्षा जल में घुलकर पृथ्वी पर आता है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नमक का अम्ल वर्षा जल के साथ धरातल पर गिरता है चौथा सवाल है निम्न में से असुमेलित युग्म है कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए देश में जीरो से छ वर्ष आयु के जो वर्ग के बच्चों का अनुपात है तेरह दशमलव छह प्रतिशत बी अरुणाचल प्रदेश में शिशुलिंगानुपात नौ सौ बहत्तर सी गोवा की साक्षरता दर बयानवे प्रतिशत डी राजस्थान का जनसंख्या घनत्व दो सौ इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा की साक्षरता दर बयानवे प्रतिशत सुमेलित नहीं है पांचवा सवाल है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है डब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ है ऑप्शन है ए रोम में बी पेरिस में सी जिनेवा में या फिर ऑप्शन डी वारसा में इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जिनेवा में है छठवां सवाल है किशोरावस्था की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है पहला यौनांगों का विकास पूर्णता प्राप्त करता है दूसरा समूह भावना का तीव्र विकास तीसरा विविध रुचियों का विकास और चौथा है दीवा स्वप्नों का बाहुल्य नीचे कूट दिए गए हैं उन कूटों को मिलान करके बताना है ए एक दो और तीन बी दो तीन और चार सी एक दो तीन और चार या फिर ऑप्शन डी एक तीन और चार इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक दो तीन और चार यहाँ जितने भी प्रयुक्त संदर्भ दिए गए हैं सभी सही हैं सातवां सवाल है शैशवावस्था की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न बिंदुओं पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे कुछ बिंदु दिए गए हैं उन पर विचार करना है पहला है खेलने की तीव्र प्रवृत्ति दूसरा है स्व केंद्रितता तथा आत्म प्रेम तीसरा है काम प्रवृत्ति की प्रबलता और चौथा है स्थाई स्मरण शक्ति नीचे कूट दिए गए हैं उसमें से बताना है कौन सा सही है ए एक दो और चार बी एक दो और तीन सी एक दो तीन और चार या फिर ऑप्शन डी एक तीन और चार इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक दो और तीन मतलब खेलने की तीव्र प्रवृत्ति स्व केंद्रितता तथा आत्मप्रेम और काम प्रवृत्ति की प्रबलता आठवां सवाल है अनुक्रिया शैली के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु व्यक्तित्व मापन में निम्नलिखित प्रविधियों में से किसका प्रयोग किया जाता है नीचे कुछ प्रविधियाँ दी गई हैं ए विकल्प प्र... प्राविधि बी अनुक्रमिक वर्ग प्राविधि सी वलकृत अनुक्रिया प्रवाविधि या फिर डी मुक्ति अनुक्रिया प्राविधि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुक्त अनुक्रिया प्राविधि नौवा सवाल है अंतर्मुखी बालक होता है अंतर्मुखी बालक कैसा होता है ए सबसे मिलकर चलने वाला बी समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला सी एकांत में विश्वास रखने वाला या फिर ऑप्शन डी स्वयं को यथार्थ में ढालने वाला इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एकांत में विश्वास रखने वाला दसवां सवाल है बुद्धि बुद्धि से संबंधित नीचे कुछ तर्क दिए गए हैं कौन सा सही है पहला पर्यावरण के साथ अनुकूलन एवं समायोजन की क्षमता है दूसरा सीखने की योग्यता है तीसरा आमूर्त तो चिंतन है या फिर चौथा समस्या समाधान की योग्यता है नीचे कूट दिए गए हैं उसमें से मिलान करके सही जवाब देना है पहला है ए एक दो और चार सही है बी एक दो तीन और चार सही है सी दो तीन और चार सही है या फिर डी दो और तीन सही है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक दो तीन और चार प्रस्तुत जितने भी यहाँ संदर्भ दिए गए हैं सभी सही है ग्यारहवा सवाल है निम्नलिखित कथनों में से कौन निष्पादन परीक्षण का सही वर्णन करता है निष्पादन परीक्षण का सही वर्णन कौन सा कथन करता है ए यह एक गति परीक्षण है बी यह एक शक्ति परीक्षण है सी यह इसमें भाषा का प्रयोग निहित नहीं होता है या फिर ऑप्शन डी यह एक विशेष योग्यता परीक्षण है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इसमें भाषा का प्रयोग निहित नहीं होता है बारहवा सवाल है समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि इससे संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाते हैं उक्त कथन है प्रस्तुत कथन किसका है ए कुप्पू स्वामी का बी स्कीनर का सी गेट्स का या फिर डी बोरिंग लैंगफील्ड व बेल्ड का इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुप्पू स्वामी का कथन है तेरहवा सवाल है समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रहता है उक्त कथन है प्रस्तुत कथन किसका है ए गेट्स का बी स्किनर का सी बोरिंग लैंगफेल्ड व बेल्ड का या फिर ऑप्शन डी कुप्पू स्वामी का इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बोरिंग लैंगफेल्ड व बेल्ड का कथन है अगला सवाल है बाल अपराध का कारण है नीचे कुछ कारण दिए गए हैं बाल अपराध का प्रमुख कारण क्या है ए माता पिता में अनबन रहना बी परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार सी परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना या फिर ऑप्शन डी समृद्ध परिवार इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माता पिता में अनबन रहना बाल अपराध का प्रमुख कारण है पंद्रवा सवाल है एलेक्सिया है एलेक्सिया क्या है नीचे ऑप्शन है ए पढ़ने की अक्षमता बी लिखने की अक्षमता सी सीखने की अक्षमता या फिर ऑप्शन डी सुनने की अक्षमता इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीखने की अक्षमता को एलेक्सिया कहते हैं सोलहवा सवाल है तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है नीचे कुछ कारण है किस कारण से ऑप्शन ए चक्रवात बी भूकंप सी भूस्खलन या फिर ऑप्शन डी टॉर्नेडो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चक्रवात का सामना करना पड़ता है सत्रुआ सवाल है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ऑप्शन ए क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है ऑप्शन बी क्योंकि इससे अधिकतम मृदा अपर्दन होता है ऑप्शन सी क्योंकि इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं ऑप्शन डी यह बारह मासी नदी नहीं है इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है अट्ठारवा सवाल है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें नीचे कुछ कथन दिए गए हैं पहला है आ सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तहत यह सुकन्या समृद्धि योजना को प्रारंभ किया बा, सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज की दर आठ दशमलव एक से मिलेगी व आयकर पर छूट प्रदान करेगी सा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो दशमलव पाँच लाख रुपए जमा किए जा सकेंगे और दा खाते को केवल किसी डाकघर में ही खोला जा सकेगा नीचे कूट दिए गए हैं उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं ऑप्शन ए केवल आ बी आ और दा सी आ बा, दा या फिर डी आ बा सा इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल आ मतलब सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना को प्रारंभ किया था उन्नीसवा सवाल है सूची एक और सूची दो में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना है सूची एक है और सूची दो है दोनों को सुमेलित करना है यहाँ कुछ नदियाँ दी गई हैं और महाद्वीप दिए गए हैं कि कौन सी नदी कौन से महाद्वीप में है आ वोलगा डेन्यूब राइन एशिया में बा यंगस्टीस टिक्योन दजला मेकोंग यूरोप में सा नील जायरे नाइजर उत्तरी अमेरिका में या फिर द सेंट लॉरेंस मिसिसिपी रायो ग्रांडे और अमेरिका ये अफ्रीका में है तो इस नीचे कूट दिया गया है मिलान करना है ए दो एक तीन चार बी एक दो चार तीन सी दो एक चार तीन या फिर डी एक दो तीन चार इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दो एक चार तीन यह जो कूट है सत्य है बीसवा सवाल है सुमेलित कूट का चयन कीजिए नीचे कुछ कूट दिए गए हैं उसमें से सही कूट बताना है अ प्रायद्वीपों का महाद्वीप एशिया ब महाद्वीपों का महाद्वीप यूरोप सा प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया या फिर द विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका नीचे सुमेलित कूट दिए गए हैं उसमें से चुनना है ए दो एक तीन चार बी दो चार एक तीन सी एक दो तीन चार डी तीन दो एक चार इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दो एक तीन चार यह सही है इक्कीसवा सवाल है किसके अनुसार सृजनात्मक पांच तत्वों को गुणात्मक योग का नाम है ये पांच तत्व ग्रहणशीलता केंद्राभिमुख चिंतन केंद्र विमुख चिंतन स्मृति मूल्यांकन किसके अनुसार हैं नीचे ऑप्शन है ए स्टैन बी गिलफोल्ड, सी स्टैगर या फिर ऑप्शन डी मेडनिक इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गिल्ड गिलफोल्ड के अनुसार बाईसवां सवाल है सृजनात्मक विचारक वह व्यक्ति है जो खोज करता है नए अवलोकन करता है नई भविष्यवाणी नए क्षेत्रों में है करता है तथा नए नए परिणाम निकालता है उक्त कथन किसका है प्रस्तुत कथन किसका है ऑप्शन ए स्किनर का बी गिलफोल्ड का सी स्टैन का या फिर ऑप्शन डी बीने का इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रस्तुत कथन इसके स्किनर का है तेईसवा सवाल है दो वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है यह कथन है प्रस्तुत कथन किसका है ऑप्शन है ए स्टैंग का बी गार्टन का सी ब्रिजेस का या फिर ऑप्शन डी सिंपसन का इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उक्त कथन ब्रिजेश का है चौबीसवा सवाल है किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है ऑप्शन ए रॉस ने बी कोहलर ने सी कोल एवं ब्रूस ने या फिर डी गैसल ने इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोल एवं ब्रूस ने कहा है पच्चीसवा सवाल है किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है किसने कहा है ऑप्शन ए वैलेंटाइन ने ऑप्शन बी बल्ट ने ऑप्शन सी जोन्स ने या फिर ऑप्शन डी एडलर ने इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वैलेंटाइन ने कहा है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और तैयारी कर लो चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो में हम ऐसे कुछ और महत्वपूर्ण सवाल महत्वपूर्ण वीडियोज़ लेकर आएंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो